गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू कोटा केमिस्ट्री। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल। अब किसी मॉलिक्यूल में हम बॉन्ड एंगल कैसे कैलकुलेट करें, पहले जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि CH4 इसकी शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल शेप है इसकी। तो टेट्राहेड्रल ऐसे, पिछली क्लास में मैंने टेट्राहेड्रल बना के बताया था, ये हो गया टेट्राहेड्रल। अब इसके बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करें, तो एक कार्बन, यहाँ कार्बन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ सेंट्रल एटम होता है, बीच में क्या है, सेंट्रल एटम। तो एक बॉन्ड एंगल तो ये हो गया एक दो, एक ये तीन, फिर चार पाँच और एक ये छः। ऐसे इसमें कितने बॉन्ड एंगल है, छः। पर हम एग्ज़ाम में ऐसे अलग अलग कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जो n है, n जो होता है टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम से जितने एटम जुड़े हुए हैं उसको हम n बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, तो यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम है, इससे ये कार्बन हो गया हमारा, ये टेट्राहेड्रल शेप। तो इससे कितने सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं, चार जुड़े हुए हैं। तो n की जगह क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस, एन की जगह क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। तो 4 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 मीन्स 2 का फैक्टोरियल, एक 2 के फैक्टोरियल से एक 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, कितना आ गया बॉन्ड एंगल, 6 आ गया। हमने ऐसे भी देखा था 6 से, और फॉर्मूले से भी निकाला तो बॉन्ड एंगल कितना है, 6 आया। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने लिया H2O, H2O की शेप क्या होती है, वी शेप या फिर वेंट शेप। H2O में वी शेप या हो गई या फिर वेंट शेप हो गई, ये हमारा H2O का, ये हमारा H2O है, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वी शेप या फिर वेंट शेप। तो इसमें हम देख रहे हैं हमारा कितना बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल एक ही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ से एक बॉन्ड एंगल आ रहा है। अगर हम इसको फॉर्मूले से ऐसे हमने देखा तो हमारा ये ऑक्सीजन, इसके दो लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसको मैंने वेस्पर थ्योरी के पार्ट 2 में बताया था इसकी शेप कैलकुलेट करना। अब मैं इसको फॉर्मूले से, फॉर्मूला हमारा था n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2 है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मतलब 2 सराउंडिंग एटम मीन्स 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया, 0 का फैक्टोरियल मीन्स होता है 0 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 1। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल खोला 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल मीन्स 1 आ गया हमारा। पहले मैं आपको बता देती हूँ फैक्टोरियल खोलना, पहले मैं आपको क्या बताती हूँ फैक्टोरियल खोलना, अगर 0 का फैक्टोरियल होगा, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब भी होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, वैसे ही जो भी अपनी डिजिट है, जैसे 3 है तो 3 2 1, अगर 4 फैक्टोरियल खोलेंगे तो क्या हो जाएगा,
फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, फोर से कम करते जाना है वन तक। अगर फाइव का फैक्टोरियल लेंगे तो फाइव फोर थ्री टू वन, ऐसे फैक्टोरियल खोलते हैं। अब मैं आपको फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे आती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया अमोनिया NH3। इसकी शेप मैंने कल बताई थी क्या होती है, पायरामिडल। इसमें एक क्या है, लोन पेयर है, और तीन तो क्या हो गए, बोन पेयर। ये एक लोन पेयर और ये हमारे तीन बोन पेयर हो गए। इसको हम ऐसे डिफाइन, इसकी शेप ऐसे होती है, ये हमारा पायरामिडल शेप हो गई, ये हमारी पायरामिडल शेप हो गई। अब हम इसमें बॉन्ड एंगल देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ये गया ये गया, बॉन्ड एंगल वन, यहाँ से यहाँ तक टू, और वैसे ही एक इधर। इसमें कितने बॉन्ड एंगल है, टोटल थ्री बॉन्ड एंगल है, थ्री बॉन्ड एंगल है। तो हम इसको फॉर्मूले से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल एन माइनस टू का फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल मतलब एन की जगह क्या आ जाएगा, थ्री का फैक्टोरियल अपॉन टू का फैक्टोरियल। एन माइनस टू, एन की जगह थ्री माइनस टू का फैक्टोरियल, थ्री का फैक्टोरियल अपॉन टू का फैक्टोरियल इंटू वन का फैक्टोरियल। थ्री के फैक्टोरियल को हम लिखेंगे थ्री इंटू टू इंटू वन, टू के फैक्टोरियल को टू इंटू वन, और वन का फैक्टोरियल वन ही होता है, टू इंटू वन, ये कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, थ्री आ गया। वैसे मैंने बताया था, शेप से भी बताया था थ्री, और फॉर्मूले से भी थ्री आ गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल ओनली फॉर्मूले से करके देखते हैं, दोनों के आंसर सेम ही आ रहे हैं। ये फॉर्मूला हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जैसे बड़े बड़े, ये छोटे एग्जाम्पल तो हम करके देख लेते हैं, पर बड़े एग्जाम्पल को हम एग्ज़ाम में करके नहीं देखेंगे। तो एग्ज़ाम में हमें क्या, एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे वहाँ पर। अब मैंने लिया जैसे XeO2F4, इसकी शेप क्या हो गई, 8+4/2 6। इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और सारे बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है, चारों और दो छः, n की वैल्यू 6 है, सारे बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल शेप, यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम्स से जो भी सराउंडिंग एटम है वो एक जैसे नहीं है, अगर एक जैसे होते हैं तो हम उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते, पर ये एक जैसे नहीं है, तो इसकी शेप क्या हो गई, टेट्रागोनल। पर हमको इतना नहीं जाना है, हमको ओनली फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल। n की वैल्यू यहाँ से देख लो, 4 और 2 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 6 में से 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे लिख देंगे 6 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया 4 का फैक्टोरियल। हम इसको ऐसे लिख देंगे 6 इंटू 5, 4 का फैक्टोरियल लिख देंगे ताकि 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल नीचे कैंसिल हो जाए, और हम 2 के फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख देंगे, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल। अब 2 वन सा 2, 2 थ्री सा 6, टोटल कितने बॉन्ड एंगल आ गए, 15। अब हमें जैसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम एक एक बॉन्ड एंगल ऐसे देखेंगे तो नहीं, टेट्रागोनल शेप बना के, तो हम फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे ऐसे अगर हमें बड़े एग्जाम्पल आते हैं तो। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेती हूँ, एक एग्जाम्पल लिया मैंने PCl5, इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल। कितने सराउंडिंग एटम है, 5 सराउंडिंग एटम है, मीन्स 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 5 में से 2 गए 3 का फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, हमको दिख रहा है नीचे 3 का फैक्टोरियल है, कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 5 टू ज़ा 10। इसमें टोटल कितने बॉन्ड एंगल आ गए, 10 बॉन्ड एंगल आ गए। यहाँ तक आया।
अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया Cl(F3)। फॉर्मूला हमारा था n फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल। n की जगह हम क्या लेंगे, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। 3 में से 2 गया मींस 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, कितने बॉन्ड एंगल आ गए, 3 बॉन्ड एंगल आ गए। हमको बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने के लिए फिर यहाँ पर शेप देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम ऐसे शेप बना के देखेंगे तब हमें शेप भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब हम लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। लास्ट एक मैंने लिया SF6। फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पर सेंट्रल एटम से कितने सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं, 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल इंटू 6 में से 2 गया 4 का फैक्टोरियल। ये 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्रू ज़ा 6। बॉन्ड एंगल कितने आ गए, 15। हमने इस फॉर्मूले से बॉन्ड एंगल सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इसे बनाते जाते शेप तो हमें फिर बहुत देखना पड़ता कि शेप क्या हुई, फिर हम बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करेंगे, कुछ हमारे बॉन्ड छूट भी जाएंगे ऐसे में तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।